विजुअल बेसिक सीखने की इस सीरीज में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि विजुअल बेसिक से एमएस एक्सेस के डेटाबेस को कैसे जोड़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एमएस एक्सेस खोलें, अगर 7 है तो बेटर है, 8, 6 कोई भी चलेगा। यहां से न्यू करें। न्यू करने के बाद यहां से आप अपने डेटा पाथ को चूज कर सकते हैं, मतलब कहाँ पर इसको सेव करना है। तो लाइक मैं अपने डी ड्राइव में करता हूँ, मैंने यहाँ पर किया है और इसका नाम मैं डेटा 1 कर देता हूँ, ठीक है। एक्सटेंशन वाला यहाँ से चेंज करके सबसे ऊपर वाला आप ले लेंगे 2002-3 फॉर्मेट MDV, राइट, ओके कर देंगे। यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये जो टेबल 1 दिखेगा यहाँ पे राइट क्लिक करके इसके डिजाइन व्यू पे क्लिक करना है। आपको टेबल का नाम बाई डिफॉल्ट टेबल 1 भी आप रख सकते हैं, अपने मन से भी कुछ दे सकते हैं। यहाँ पर मैं जैसे फिर से आप अपना कॉलम सेलेक्ट कीजिए, रोल किस टाइप का होगा, नंबर टाइप का होगा, स्टूडेंट का नेम किस टाइप का होगा, टेक्स्ट टाइप का होगा, मार्क्स किस टाइप का होगा, तो सॉरी मार्क्स किस टाइप का होगा तो नंबर टाइप का होगा, चलिए मैं 3 ही लेता हूँ। फिर यहाँ आके इस पर डबल क्लिक कर दें, राइट, इस पर उसको यहाँ से आपको सेव करने के लिए पूछेगा, आप ओके कर दें। यहाँ से कुछ डेटा आप इनपुट कर सकते हैं, मैं अपने नाम से ही शुरू करता हूँ, 45-2 में मोहन, 56-3 में अरुण, 25, ठीक है, डन। यहाँ से आपने इसको बस कट कर देना, ठीक है। अब खोलिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6, ये मैंने खोला। यहाँ से आपको क्या करना है कि पहले तो आपको इस फाइल को सेव कर लेना होता है, ठीक है। इसको हम लोग सेव प्रोजेक्ट करते हैं, सेव प्रोजेक्ट मैंने क्या दे दिया, कुछ भी अपना नाम दे दिया, एग्जाम्पल मैंने कर दिया, और मैं यहाँ से अपने सॉरी यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे ही कर रहा हूँ एग्जाम्पल से, ओके डन। प्रोजेक्ट भी मैं डेस्कटॉप पे ही कर रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, बस 3 टेक्स्ट बॉक्स लेना है, टेक्स्ट बॉक्स को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट इसको नो हमेशा कीजिएगा, बिकॉज इसके कारण एरे बन जाता है। चाहे कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट अगर आप VB6 में करते हो तो यहाँ से एरे बनने का चांसेस रहते हैं। सो आप इन सारे को ब्लैंक कर दे यहाँ टेक्स्ट करके, या फिर डायरेक्ट क्लिक करके उसको लेवल 3 ले ले। मैं Ctrl+C और Ctrl+V कर रहा हूँ, जिस कारण से ये नोटिफिकेशन बार बार पूछता है कि आप क्या इसको एरे बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने नो किया, जिस कारण से ये नो हुआ। ये रोल हो गया आपका, ये स्टूडेंट का नेम हो गया, ये आपका स्टूडेंट का मार्क्स हो गया। यहाँ से मैं 4 बटन ले लेता हूँ, मैंने यहाँ से 4 बटन ले लिए, सीट एक ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ से चारों बटन को आप अरेंज कर लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग ऐड बना देते हैं, इसको अपडेट मतलब कि एडिट होता है, इसको सेव, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से आपने राइट क्लिक करके कंपोनेंट्स पे जाना है और 2 कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करवाना है। आप यहाँ से टाइप कीजिए एम, एम दबाते ही जो पहला ऑप्शन आएगा उसको आपको सेलेक्ट करना है, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ADO डेटा कंट्रोल 6.0 OLEDB, ठीक है, और ये माइक्रोसॉफ्ट डेटा ग्रिड 6.0 ये वाला, ओके कर देना है। ये दोनों आ गए, इन दोनों को आप कहीं पे भी अपने ड्रॉ कर ले। देखिए दोस्तों, अभी अब क्या करना है, इस पर राइट क्लिक आपको करना है, इसके प्रॉपर्टीज में जाना है इसको, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज से यहाँ से आपको एक बिल्ड कनेक्शन करना है, बिल्ड कनेक्शन के लिए फिर आपको ये ऑप्शन पूछेगा, इसमें से आप एक्सेस डेटाबेस को इंजन को सेलेक्ट करें और नेक्स्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पे आपको पाथ देने होंगे, पाथ देने के लिए हमने वो उस डेटाबेस को जहाँ पे भी सेव किया था, ये मैंने सेव किया था, इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज देखें, और ये देखिए डी है, और इस डेटाबेस का नेम D/ इस डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का नेम क्या था, data1.md बी, हमेशा एक्सटेंशन के साथ ही नेम दे तभी सूटेबल होगा। टेस्ट कनेक्शन करें, अगर ओके हो गया तो डन है, ठीक है, ओके। फिर यहाँ से रिकॉर्ड सोर्स पे करना है, ठीक है। यहाँ से आपने ADCMD
टेबल वाले पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको टेबल का नेम मैंने जो बाय डिफॉल्ट छोड़ा था टेबल वन उसको सेलेक्ट कर लेना है, अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। अब क्या करना है, इसके रिकॉर्ड सोर्स को, डेटा ग्रिड कंट्रोल के रिकॉर्ड सोर्स को आपने चेंज करना है। तो आपको डेटा रिकॉर्ड सॉरी डेटा सोर्स ये आ गया। अब देखिए यहाँ से आप रन करवा के एक टेस्ट ले सकते हैं। देखिए वहाँ पे मैंने जो सब इनपुट किया था वो यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करना है कि इससे हमको इनपुट आउटपुट सॉरी इनपुट एडिटिंग और डिलीट करना है इससे। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके डेटा सोर्स को पहले चेंज करेंगे, फिर डेटा फील्ड को चेंज करेंगे। डेटा सोर्स को एडीओ डीसी वन कर देंगे और डेटा फील्ड में रोल ले लेंगे, ठीक है। और इसका एडीओ डीसी वन कर देंगे और इसका डेटा फील्ड नेम कर देंगे और इस वाले का फिर से डेटा सोर्स वही होगा, डेटा फील्ड ये होगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपने ऐड बटन पे डबल क्लिक करके इसके कोडिंग में जाना है, ए डी ओ डी सी डी सी ए डी ओ डी सी वन डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट एड एड न्यू, ओके। फिर आपने यही चीज कॉपी करना है बस और सारे कमांड्स पे पेस्ट कर देने हैं और इसमें ये अपडेट, यहाँ से आपको अपडेट ले लेना है। फिर आपसे आपने कमांड थ्री पे जाना है, यहाँ पे इसको पेस्ट करके सेव पे करना है। अपने कमांड फोर पे जाना है और इसको पेस्ट करके डॉट लगा के डिलीट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको क्लोज करते हम लोग रन करवा के देखते हैं, ये यहाँ पे आ चुका है। अगर हम लोग को ऐड न्यू करवाना है तो देखिए यहाँ पे मैं देता हूँ तीन तक तो हो चुका है, यहाँ पे चौथा मैं देता हूँ फोर हेमंत 56 डन, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे तो ये आ ही चुका है, साथ ही साथ आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो आपके उस प्रोजेक्ट में भी गया होगा सॉरी उस डेटाबेस में भी गया होगा जहाँ पे आपने इसको सेव किया था। ये रहा, इसको आप खोल के देखिए, ये देखिए आ चुका है हेमंत जो मैंने ऐड किया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।